हेलो फ्रेंड्स, माधव केशव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मोर पंख से कान्हा जी के लिए पंखी बनाएंगे। पंखी बनाने के लिए मैंने ये कार्बन का लिया है टुकड़ा, इसे गोल काट के पंखी की साइज में काट कर इस चारों तरफ से कपड़ा फेविगोल से चिपका देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फेविगोल से मैं चिपका रही हूँ। लाल कलर का भी आप ले सकते हैं अपनी साइज का। काट कर चारों तरफ से मैं इसे कटिंग कर दूंगी और कटिंग करके इसको चिपका दूंगी। इस तरह से कटिंग करूंगी तो ये अच्छी तरह से गोल शेप में चिपक जाएगा। ये देखिए, सारा का मैंने कटिंग कर ली है। फेविगोल से इस तरह से आप चिपका दीजिए, इससे चारों तरफ से चिपका लेंगे इसको इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम कान्हा जी के लिए पंखे बनाएंगे। ये मैंने चारों तरफ से चिपका लिया है। एक पीस मैंने ये बनाया है और फेविगोल लगा कर मैं ये मोर पंख से ही कट कर रही हूँ। ये इस तरह से लगा कर फेविगोल और ये मोर पंख के कुछ पंख के ऊपर की साइज है ये। ये मोर पंख यहाँ पर बराबर कटिंग करके मैं ये चारों तरफ से चिपका दूंगी। इस तरह से फ्रेंड चिपका कर तैयार करूंगी पंखी कान्हा जी के लिए। चारों तरफ से चिपका कर फेविगोल से तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चिपका कर तैयार कर ली है। ये दूसरा पीस, दो पीस काट कर तैयार किए हैं मैंने। सेम दो पीस काट कर तैयार कर एक ऊपर लगाएंगे और एक नीचे, दोनों को फेविगोल से लगा कर तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चिपका कर तैयार कर लिया है। ये देखिए, ऐसे चिपका कर मैं तैयार कर लूँगी। अब मैं मोर पंख से ही इनकी पंखी काट कर मैंने तैयार की है डांडी। मोर पंख से ही काट कर डांडियाँ तैयार करूँगी। मेरे पास ये कुछ लेस है, फिर भी गोल लगा कर मैं इस लेस को इस डांडियाँ के चारों तरफ चिपका कर तैयार करूँगी। यहाँ से मैंने स्टिच कर दिया है धागे से। लेस के ऊपर गोंद लगा लगा कर सारी लेस गोल गोल शेप में लगा कर तैयार करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने गोल गोल शेप में डांडियाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं गोंद लगाकर पंखी की डांडियाँ तैयार करती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बनाकर तैयार कर ली है धागे से। दोनों साइड से स्टिच कर देते हैं। ये देखिए, डांडियाँ तैयार हो गई है। ये फ्रेंड्स, इस तरह से गोंद से चिपका कर मैंने ये छोटा सा एक कपड़ा लेकर तैयार करूँगी और मैं ये मोर पंख लगाकर दोनों साइज, मैंने ये साइज की मोर पंख काट कर
तैयार की है। बीच की साइज की इस तरह से लगाकर मैं ये डांडियाँ लगाऊंगी और इस कपड़े से मैं इस डांडियाँ को स्टिच करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से गोंद लगाकर स्टिच कर दिया है इस तरह से। दोनों तरफ से मैंने ये डांडियाँ स्टिच कर दी है पंखी के, और मैंने ये मोर पंख भी चिपका कर तैयार कर दी है। अब पंखी का डेकोरेट करते हैं। कुछ चैन है मेरे पास, ये मैं चैन लगा रही हूँ। आपके पास कुछ मोती हो तो वो भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैं ये चैन से डेकोरेट कर रही हूँ पंखी को। ये इस तरह से चैन को मैं लगा कर तैयार करती हूँ, दोनों तरफ से ही लगा कर तैयार करूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ से ही चैन लगा कर तैयार कर ली। ये देखिए मेरे पास ये कुछ मोती की लेस है, तो मैं ये मोतियों की लेस लगा रही हूँ चारों तरफ से, डेकोरेट करती हूँ इसको इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इस मोर पंख के ऊपर भी कुछ चैन लगाकर तैयार करूँगी। ये मेरे पास नीली वाली चैन है, मैं नीली वाली चैन ही लगाऊंगी, वाइट भी लगा सकते हो आप। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से मैंने ये चैन लगाकर तैयार कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से लगाकर मैंने पंखी तैयार कर ली है। यहाँ पर कुछ एक कांच पड़ा, कांच भी लगाया है मैंने। ये दो पंखी तैयार किए हैं, ये एक मोर पंख लगाकर तैयार की है और कुछ कांच लगाकर मैंने दोनों पंखे तैयार की है। ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे की साइड भी मैंने कुछ मोती लगाकर कुछ चैन लगाकर डेकोरेट कर देती हूँ। ये इस तरह से मैंने चारों तरफ चारों नाप के ही स्टिच कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से डेकोरेट कर देंगे, ये चैन लगाकर कुछ मोती लगाकर पंखे को डेकोरेट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से मैंने लगा दिए हैं। ये देखिए चारों तरफ से लगाकर तैयार